हेलो स्टूडेंट्स, टेली प्राइम की क्लास नंबर 18 में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे जर्नल वाउचर के बारे में, यानी कि टेली सॉफ्टवेयर में जर्नल वाउचर क्या होता है और इस जर्नल वाउचर में किस प्रकार की एंट्रियां जो करी जाती है। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, विशेषकर फ्रेशर अकाउंटेंट लोगों के लिए। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, कोई भी स्टेप इस वीडियो का स्किप मत करना। और वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो लगातार मिलती रहेगी। तो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जर्नल एंट्री और जर्नल वाउचर में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि काफी सारे जो फ्रेशर स्टूडेंट्स होते हैं अकाउंट्स के, वो इस बात के अंदर ही कंफ्यूज रहते हैं भी जर्नल एंट्रीज किसको बोलते हैं और जर्नल वाउचर में क्या डिफरेंस होता है। तो जर्नल एंट्रीज का मतलब हो गया, मान लीजिए हम किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे काम नहीं करते हैं, हम हमारी बिजनेस की जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो उन सभी ट्रांजेक्शन को हम मान लीजिए एक किसी नोटबुक पे लिखते हैं डे टू डे। मान लीजिए आज की तारीख के अंदर हमने जितना भी गुड्स परचेज किया उसकी हमने एंट्री नोट करी, हमने गुड्स जितने भी सेल किए उन सभी के सेल वाउचर हमने बनाए और उनकी नोटबुक पे हमने एंट्री करी, हमारे कस्टमर सप्लायर्स को हमने पेमेंट करी है उसकी हमने एंट्री कर दी है, हमारे कस्टमर से हमारे को पैसा मिला है उन सब की हमने एंट्री कर दी। यानी कि जितनी भी हम एंट्रीज करते हैं हमारी बिजनेस के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, वो हमारी सारी जर्नल एंट्रीज ही होती है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं भी जर्नल एंट्री नहीं, परचेज वाउचर है तो आपने परचेज की एंट्री करी है। परचेज की जो एंट्री हमने करी है एज ए वो जर्नल एंट्रीज ही होती है, और उसके बाद में हम उसको सभी के अलग अलग लेजर के अंदर उनको ट्रांसफर करते हैं डे बुक से। तो हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की बात करें तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर हमारी बिजनेस की जो भी रिकॉर्ड्स होती है, हमने गुड्स परचेज किया, सेल किया, पेमेंट आई, या हमारे पास पेमेंट करी है या रिसिप्ट हमारे पास आई है, तो उन सभी को अलग अलग मेंटेन करने के लिए सॉफ्टवेयर के अंदर ये कॉलम बना दिए गए हैं। अब मान लीजिए आपके पास कोई गुड्स आया, उसका परचेज इन वॉइस आपके पास है, तो आप उसकी एंट्री परचेज वाउचर में करोगे। आपने किसी कस्टमर को गुड्स बेचे हैं उसकी एंट्री आप सेल में करोगे। आपके पास कस्टमर से कोई पैसा आया तो आप रिसिप्ट करोगे। आपने सप्लायर्स को पेमेंट करी है, कोई एक्सपेंसेस की एंट्री आप कर रहे हो तो आप पेमेंट वाउचर में यूज करोगे। अगर आपने कोई बैंक से संबंधित कोई वर्किंग करी है, कैश डिपॉजिट कराया है, कैश विड्रॉल किया है, या बैंक टू बैंक आपने ट्रांजेक्शन करी है, इसके लिए आप कॉन्ट्रा वाउचर यूज करते हो। इसके अलावा अदर वाउचर्स की हम बात करें, और सर हम यहाँ पे शो इनएक्टिव पर क्लिक करते हैं, तो इसके अलावा और बहुत सारे हमारे पास वाउचर होते हैं। जैसा कि मैंने कंपनी को गुड्स वापस कर दिया तो इसके लिए हम डेबिट नोट इशू करते हैं, या हमारे पास कोई बेचा हुआ सामान वापस आ गया उसके लिए हम क्रेडिट नोट यूज करते हैं। तो इन सभी के लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ये अलग अलग है जो हेड बना दिए गए हैं। तो अब हम बात करते हैं इन सभी के लिए तो हेड बना दिए गए, लेकिन ये फिर केवल जर्नल वाउचर का यूज किस कंडीशन में हम करेंगे। तो जर्नल वाउचर का यूज जो अदर वाउचर्स के हेड के अंदर एंट्री नहीं होती, वो सारी जर्नल वाउचर के अंदर एंट्रियां हम करते हैं। तो इसलिए हम एक तरीके से हम कह सकते हैं ये जो जर्नल वाउचर जो हमारा होता है टेली सॉफ्टवेयर के अंदर, जिसकी शॉर्टकट कमांड है F7, उसे हम एडजस्टमेंट वाउचर भी कहते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को डाटा एंट्रीज को, अमाउंट्स को किसी के दूसरे खाते से किसी दूसरे खाते में एडजस्ट करने के काम आता है। फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले डे बुक पे चलते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम एक सेल को ओपन करते हैं। अब मान लीजिए हमने 3 सेल करी हुई है, ठीक है, और इस 3 सेल के अंदर हमारे पास मान लीजिए एक नंबर इनवॉइस, 2 नंबर ये, 252 नंबर इनवॉइस, इस तरीके से इनवॉइस के नंबरिंग हमारे पास आ रही है। और यहाँ पर हमारे पास कस्टमर है फ्रेश ट्रेडिंग कंपनी और एक है दिल्ली ट्रेडर्स के नाम से। अब मान लीजिए ये जो हमारे पास 2 नंबर इनवॉइस है 500 रुपये का, अब ये जो 500 रुपये की जो अमाउंट है, ये अमाउंट हमें इस सुरेश ट्रेडिंग कंपनी के खाते में डेबिट करनी है। यानी कि अभी ये कह दिया दिल्ली ट्रेडर्स ने, मान लिया आपको ये बात बोल दी भी अब ये जो मेरा पैसा है वो पैसा अब आपको ये सुरेश ट्रेडिंग कंपनी वाला देगा। तो अब हमें दिल्ली ट्रेडर्स के खाते में ये 500 रुपये जमा करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार दिल्ली ट्रेडर्स का खाता ओपन करते हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए इसकी एंट्री हमने कर रखी है ये सेल की, अब ये इस सेल की ट्रांजेक्शन को हमें इससे हटा के और उसके खाते में ये पैसा करना है, ये वाउचर ट्रांसफर हमें नहीं करना है, ये 500 रुपये की जो एंट्री है वो हमें सुरेश ट्रेडिंग कंपनी के खाते में एडजस्ट करनी है। तो इसके लिए हम जर्नल वाउचर का यूज करते हैं। जर्नल वाउचर का यूज किस
कैसे करेंगे हम, वाउचर पे हम चलेंगे, F7 हम यूज करेंगे, और उसके बाद में सबसे पहला ऑप्शन आपके पास आ रहा है डेबिट का, यानी कि अब आपको सुरेश ट्रेडिंग कंपनी के अकाउंट को डेबिट करना होगा, क्योंकि 500 रुपये अब दिल्ली ट्रेडर्स की जो पेमेंट है वो सुरेश ट्रेडिंग कंपनी देगा। तो 500 रुपये हमने सुरेश ट्रेडिंग कंपनी के खाते को हमने डेबिट कर दिया, ओन अकाउंट में गए, और उसके बाद में दिल्ली ट्रेडर्स के अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। एंटर प्रेस करते हुए इस वाउचर को एक्सेप्ट करेंगे। अब इस ट्रांजेक्शन से क्या हुआ कि न तो पैसा आया न पैसा गया, हमने एक अमाउंट को किसी दूसरे अमाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दी, एडजस्टमेंट कर दी। अब एक बार हम दिल्ली ट्रेडर्स का खाता देखते हैं, तो आप यहां देख सकते हो, अब इसके अकाउंट के अंदर ये जो सेल हमने करी थी, अब इस सेल का पैसा इसके खाते में क्रेडिट हो गया, और वाउचर हमने कौन सा यूज किया, जर्नल वाउचर। और हम सुरेश ट्रेडिंग कंपनी का अगर लेजर ओपन करते हैं, तो सुरेश कंपनी के अंदर आप देख सकते हो भी उसके जो 500 रुपये अब वो सुरेश ट्रेडिंग कंपनी के अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर आ गए, यानी कि अब इसका पैसा सुरेश ट्रेडिंग कंपनी देगा। अब इसका अकाउंट आप देख सकते हो यहाँ से 500 रुपये से डेबिट हो चुके हैं, अब उसका अकाउंट है 500 रुपये से वापिस है जो जमा हो गया। अगर आपने वाउचर गलत कर दिया तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप क्या करते हैं, यहाँ पर उसका लेजर का नाम चेंज कर सकते थे, लेकिन आपको अमाउंट ही ट्रांसफर करनी है, वाउचर हमने गुड्स इसी को ही सेल किया था। इसी तरीके से आप अपने बिजनेस की GST की एंट्री हम ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसा कि अगर हम बैलेंस शीट पे चलते हैं और उसके बाद में ड्यूटीज एंड टैक्सेस आप देख सकते हो, तो अब ये जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस हैं अब आपके अकाउंट के अंदर ये डेबिट के अंदर आ रहा है, लेकिन अगर हम बैलेंस शीट में देखें तो ये बैलेंस शीट के अंदर आपका लायबिलिटी साइड के अंदर ये माइनस हो रहा है, ठीक है। अब इस टाइप की एंट्री को भी हम जर्नल एंट्री से दूसरे के अकाउंट के अंदर इसको हम ट्रांसफर करेंगे। किस प्रकार से हम पास करेंगे, इसके लिए हमें एक दो लेजर अलग से क्रिएट करने होते हैं, क्रिएट पर हम जाएंगे, लेजर पर हम जाएंगे, ठीक है ना। तो CGST टैक्स इनपुट, ठीक है, इसका ग्रुप हम रखने वाले हैं यहां पर करंट एसेट का, ठीक है, और इसको कुछ भी एप्लीकेबल आपको करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से हम एक SGST का भी टैक्स इनपुट का एक लेजर क्रिएट करेंगे एंटर में, करंट एसेट का। तो अब ऐसी कंडीशन के अंदर हमें क्या करना होगा भी, जो हमारा बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो बैलेंस शीट के अंदर ही हालांकि ये पैसा हमारा अभी भी डेबिट ही आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम, हमारे पास ये जो बैलेंस अभी यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है इनका डेबिट का, तो इन लेजर को हम यहाँ से क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और CGST SGT के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। तो फिर क्या होगा, ये जो पैसा यहाँ से कम हो जाएगा और अब बैलेंस शीट के अंदर हमारा इस करंट एसेट साइड के अंदर CGST SGT का बैलेंस है जो शो करना स्टार्ट कर देगा। एंट्री हम करके देखते हैं, 13,481.60 रुपये की एक एंट्री है, हम एक तरीके के अंदर इसकी एंट्री पास करते हैं और जर्नल वाउचर की यूज करेंगे। तो अभी हमने CGST टैक्स का इनपुट का एक लेजर हमने क्रिएट किया था, ठीक है ना। तो एक बार आप बैलेंस यहाँ से देख सकते हो 13,481.60 रुपये, तो वापिस हम CGST टैक्स इनपुट को डेबिट करेंगे, ठीक है। सेम इसी तरीके से हम एक SGST टैक्स के अकाउंट को भी इनपुट वाले लेजर को डेबिट करेंगे 13,481.60 रुपये से। अब आपको CGST टैक्स के अकाउंट को क्रेडिट करना है। अभी हमारी ख्याल एंट्री थी एक खाते से दूसरे खाते में जा रही है, एंटरप्राइज करते हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है ना। अब हम चलते हैं बैलेंस शीट पे, तो आप बैलेंस शीट में जाके देखोगे तो CGST SGST की अमाउंट आपकी एडजस्ट होगी। अब इसी तरीके से आपका IGST का जो टैक्स का जो अमाउंट पैसा है वो भी आपको एडजस्ट करना है, तो इसी तरीके से आपको एक इसका एक लेजर हम क्रिएट कर देंगे, IGST टैक्स 34,896.43 रुपये, ठीक है। अब इसकी जगह आपको एक नया लेजर क्रिएट कर लेना है LTC के साथ, तो IGST टैक्स इनपुट के नाम से, और ये हमारा करंट एसेट में रहेगा, डेबिट करेंगे और IGST टैक्स को हम क्रेडिट कर देंगे। तो बैलेंस शीट में आप देखोगे तो करंट एसेट के बाद देखें तो आप वो जो जितना भी पैसा था वो डेबिट साइड पे था, लेकिन अब वो आपको रियल के अंदर इस डेबिट साइड के अंदर ये पैसा ट्रांसफर करना दिखना या जो शो कर दिया जो हमने अभी ट्रांसफर एंट्री करी थी जनरल वाउचर में। और ये जो ड्यूटीज एंड टैक्स है ये हमें 500 रुपये का पेमेंट हमने करी है, इसको हम एक बार कर देते हैं डिलीट। अब यहाँ देखो आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस आपका बिल्कुल है जो क्लोज हो चुका है और वो आपका पैसा इस साइड में आ गया। इसी तरीके से आपके बिजनेस के अंदर जितना भी आपको प्रॉफिट हुआ है अब वो प्रॉफिट भी आप अपने कैपिटल अकाउंट के अंदर है जो
ट्रांसफर कर सकते हो। तो हम एक बार इसके लिए, फिलहाल आपको यहाँ पर हमारे को लॉस दिखाई दे रहा है, हम इसको एक एंट्री को बड़ी अमाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं ताकि हमारा प्रॉफिट है जो नेट प्रॉफिट इनकम के रूप में आ जाए। मान लीजिए हमने इसकी वैल्यू यहाँ पर 5000 डाल दी सेल की वैल्यू को, प्रॉफिट को एडजस्ट करने के लिए, ताकि हमें पता चले भी हम जो प्रॉफिट की एंट्री है उसको कैपिटल अकाउंट में किस तरीके से हम ट्रांसफर करते हैं। ठीक है ना, केवल हमें प्रॉफिट को एडजस्ट करने के लिए। आप देख सकते हो अब आपके बिजनेस के अंदर ये 50,441 रुपए का नेट प्रॉफिट आपको कंपनी को हुआ है। अब इसका हमें कैपिटल अकाउंट के अंदर इस प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है। ठीक है ना, तो इसके लिए भी हम यहाँ पर वाउचर पे जाएंगे, जर्नल वाउचर का हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले अब आपको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक लेजर ऑलरेडी टैली सॉफ्टवेयर में क्रिएट किया हुआ मिलेगा। तो यहाँ पर आपको 50,441 रुपए 73 पैसे आपको डेबिट करना है, और जो आपका कैपिटल अकाउंट आपने बना रखा है उस कैपिटल अकाउंट को आपको यहाँ पर क्रेडिट करना है। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि जर्नल वाउचर के अंदर जो हमारी पैसे की जो अमाउंट है उसी को ट्रांसफर करने के लिए एक खाते से दूसरे खाते में भेजने के लिए वाउचर का यूज करते हैं। बैलेंस शीट पे हम जाके देखते हैं तो आप देख सकते हो भी सुमित के अकाउंट के अंदर आपको वो पैसा ट्रांसफर मिल जाएगा। और यहाँ पर भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखोगे तो जितना आपका पैसा था यहाँ पर लिखा आ गया लेस ट्रांसफर, यानी कि जितना आपका प्रॉफिट था वो सारा का सारा ट्रांसफर हो चुका है आपके कैपिटल अकाउंट के अंदर, और आपका कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो अब इंक्रीज हो चुका है। तो इस टाइप की जितनी भी हमारी एडजस्टमेंट की जो एंट्रीज होती है उन सभी को हम जर्नल वाउचर के अंदर पास करते हैं। आई होप कि अब आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, यानी कि ऐसी जो भी ट्रांजेक्शन जो जर्नल वाउचर को छोड़ के किसी दूसरे वाउचर में हो ही नहीं सकती उन एंट्रीज को हम जर्नल वाउचर के अंदर पास करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई, नॉलेजेबल लगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो भी जरूर कर लेना।